नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इजरा 40 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है इजरा 40 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इजरा 40 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इजरा 40 एक ब्रांड नेम है इजरा 40 टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन इसो में प्राजोल चालीस एम होता है इजरा फोर्टी टैबलेट पेट में उत्पन्न होने वाले एसिड की मात्रा को कम करती है इजरा फोर्टी टैबलेट का उपयोग पेट में जलन होने आरोप पेट में गैस बनने पर बदहजमी होने पर खट्टी डकारे आने पर सीने में जलन होने पर और पेट में अल्सर होने पर इज़रा 40 टैबलेट का उपयोग किया जाता है इज़रा 40 टैबलेट को डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन पेट में दर्द या पेट में अल्सर हो सकती है इसलिए इन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए भी डॉक्टर इजरा 40 टैबलेट को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्ट्स में उल्टी आना उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ना हो इसलिए आपका डॉक्टर इजरा 40 टैबलेट को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है इसके अलावा इजरा 40 टैबलेट का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे गैस्ट्रिक अल्सर एसिड रिफ्लक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी इजरा फोर्टी टैबलेट का उपयोग किया जाता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्ट की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इजरा फोर्टी टैबलेट की वजह ऐसी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में इजरा 40 टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द होना पेट से गैस निकलना मुंह में सूखापन होना सिर दर्द होना शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना चक्कर आना व दस्त होने की समस्या हो सकती है इसके अलावा इजरा फोर्टी टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज की समस्या भी हो सकती है लंबे समय तक इजरा फोर्टी टैबलेट का सेवन करने से, यानी कई महीनों या कई सालों तक इजरा फोर्टी टैबलेट को लेने से शरीर में विटामिन सी विटामिन बी ट्वेल्व कैल्शियम आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इजरा 40 टैबलेट को दो सप्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार इजरा 40 टैबलेट को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है इजरा फोर्टी टैबलेट की वजह ऐसी ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब इजरा फोर्टी टैबलेट का लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अब हम डिस्कस करेंगे कि इजरा 40 टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर इजरा 40 टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं इजरा फोर्टी टैबलेट को खाना खाने ऐसी कम ऐसी कम एक घंटे पहले लेना चाहिए इजरा फोर्टी टैबलेट की डोज उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गम भीड़ता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इजरा फोर्टी टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इजरा फोर्टी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपका इजरा 40 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं